मस्जिद पर हमला कैसे करें, मस्जिद के सामने कैसे गाली दें, कैसे गाने चलाएं जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम्स हैं हमारे देश के, उनके खिलाफ किस तरह से गाली गलौज की भाषा, कैसे हिंसा की भाषा बोलें, इसको लेकर के पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड मुहिम चला। उतना ही नहीं, उसमें कह दिया गया खरगोन में मध्य प्रदेश में कि अरे दंगा जो है वो तो मुस्लिम्स ने किया है, पथराव कर दिया है, और दंगाइयों का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बुलडोजर चला देंगे, और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। इस देश में कितनी बार दंगे हुए हैं, कितनी बार मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले हुए हैं, कितने बार जनसंहार किए गए, लेकिन जनसंहार करने वालों का न्याय तो बहुत दूर की बात, इस तरह का कोई रेस्पॉन्स राज्य की तरफ से सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये देखा जा रहा है आज कि राज्य की हिंसा और मॉब की हिंसा, ये दोनों बिल्कुल एक साथ चल रहा है, जैसे गुजरात 2002 में चला और जैसे लगातार दिल्ली में भी 2020 में चला, और अब और ज्यादा इसको एक प्लान्ड तरीके से इसको किया जा रहा है। और ये उतना ही नहीं है, हिजाब पहनने को लेकर के जिस तरह की बहस खड़ी की गई, वो बहस नहीं, वो हमला है। जिस तरह से खानपान को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई नवरात्रि है तो कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, कोई मीट नहीं खाएगा, मीट बेचेगा नहीं, मीट खरीदेगा नहीं, और उसी के नाम पर जेएनयू के अंदर हमला कर दिया छात्रों के ऊपर। उसी तरह से बॉयकॉट का कॉल दिया जा रहा है, जितने भी मुस्लिम वेंडर्स हैं, मुस्लिम दुकानदार हैं या कहीं स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनसे खरीदिए मत कह दिया जा रहा है। ये सारी चीजें क्या है, इसका एक नाम है, इसका नाम हिटलर शाही।